हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है जी आपके। इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस एमसीक्यूज जो कि पंजाब बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा जी इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज है जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं काफ़ी बार और कंसेप्ट वाइज होते हैं, हुए तो काफ़ी हैं। आप प्रीवियस अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड, आप में से कोई स्टूडेंट का मुल्तान बोर्ड का है, बहावलपुर बोर्ड का, तो वो प्रीवियस 5 साल पेपर को देख सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन ये वो एमसीक्यूज हैं जो ऑल बोर्ड्स में आए हैं और इनमें कंसेप्ट यूज हुआ है, तो इसको हम इधर सॉल्व करेंगे कि भाई ये जो एमसीक्यूज है इसका जो कंसेप्ट बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। तो इस साइड पे आपके वो एमसीक्यूज इधर पूरा डिस्प्ले होगा और इधर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज रिपीट इधर डिस्प्ले होता जाएगा और इधर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ करता जाऊंगा। आप पहले एमसीक्यूज पढ़ना, देन फिर मैं उधर इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज इधर डिस्प्ले होता है और इधर मैं पढ़ता हूँ। इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन, ठीक है। अब वो क्या चीज़ गेन करेगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एम ई मीन मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहला है कि मूव अगेंस्ट दी फील्ड, अगेंस्ट दी फील्ड जाना है, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास है जी फील्ड। अब इसको मैंने अगेंस्ट दी फील्ड लेके जाना है। चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी कोई भी हो सकती है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये टेस्ट चार्ज है। अब इसको मैंने इधर लेके जाना है। अब मुझे ये पता है कि जिस तरफ फील्ड आ रही है, जिस साइड से, वो साइड होगी पॉजिटिव और जिस साइड पर जा रही है नेगेटिव। मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मुझे फील्ड का पता है कि जहाँ से आ रही है वो पॉजिटिव और जहाँ पर जा रही है वो नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या ये खुद ब खुद आएगा या लाना पड़ेगा। जब मैं इसको खुद लेकर आऊँगा तो इसके अंदर ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर क्या स्टोर होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी, और उस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, बल्कि इसका पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन क्या बनेगा इधर, डी, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 1। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं। इसके अलावा कोई रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज हो ना तो आप कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह उसे भी सॉल्व करेंगे इधर। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं, डिस्प्ले हो जाता है इधर। द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज ड्यू टू, ऑप्शन ए पोलराइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि ये कैपेसिटर है, तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट या कोई भी, सपोज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। आपने कहा सर इसकी पहले कैपेसिटेंस थी ए एप्सिलॉन नॉट डी ओवर आर। जब आपने इसके अंदर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रखा तो आपने कहा था सर इसकी जो कैपेसिटेंस नहीं बनी थी, वो नई कैपेसिटेंस विद मीडियम, वो आई थी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, वेयर एप्सिलॉन आर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यही होता है, हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। अच्छा, वो कहता है कि इसकी कैपेसिटेंस बड़ी क्यों, बड़ी इसलिए कि हमें पता है कि इसके दरमियान में अगर लेट्स सपोज ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पर फील्ड भी यूँ बनी होगी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इस मटेरियल ने अपने आप को क्या कर लिया, पोलराइज कर लिया। पोलराइज करने का मतलब है कि इधर इसने क्या बना लिया, छोटे छोटे पोल्स बना लिए, इस साइड को पॉजिटिव, इस साइड को नेगेटिव, इस साइड को पॉजिटिव, इस साइड, इसका मतलब है इसके अंदर छोटी छोटी सी फील्ड्स बन गई, जिसने इस टोटल फील्ड में से इतनी फील्ड को क्या कर दिया, माइनस, फील्ड कम होगी। जब फील्ड कम हो गई तो आपको पता है V इज इक्वल टू ई डी, ई कम हुआ तो V भी कम हो गया। अब आपको पता है कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C जब बराबर आ गया वो Q ओवर V, तो जब ये कम हुआ तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो इसलिए V कम होने से C बढ़ा। अब इसके अंदर प्रोसेस कौन सा यूज हुआ, वो ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन ए कौन सा था, पोलराइजेशन। अच्छा, अब पोलराइजेशन में आ गया आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि आप इस मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन छीन ले, भाई इलेक्ट्रॉन छीन तो लिया, देना कहाँ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आगे वाला इलेक्ट्रिफिकेशन,
इलेक्ट्रिफिकेशन कह लो कि भाई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने रखा हुआ है तो इसके अंदर से ऐसे समझ लो कि करंट पास करवा दिया, ऐसे कह लो। अच्छा लास्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि भाई इसके एटम्स और आयन आपने अलग अलग कर दिए और वो सॉल्यूशन में मूव करने, तो सॉल्यूशन वाला तो रोला ही नहीं है ना इधर। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो भी तो फिर भी आप क्या करोगे, फिर भी उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो कैपेसिटर में तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में करंट पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अंदर ऐसी चीज़ को रखना होता है जो करंट को पास ना होने दे। इंसुलेटर हो प्लस डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक का मतलब कि वो अपने आप को डाईपोल्स दो अलग अलग पोल्स में यानी ऑपोजिट पोल्स में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 3 देखते हैं। ये सारे एमसीक्यूज बच्चों रिपीट हुए हैं बोर्ड में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 3, वो कहता है कि आ 5 मेगा ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विद 2 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या निकाल के देना है, टाइम कॉन्स्टेंट। आपको पता है आर सी इज इक्वल टू टी, यही होता है। तो आपने क्या करना है, आर की वैल्यू है 5 × 6 मेगा ना, 10^6 ओम मल्टीप्लाई बाय सी, सी है जी 2 माइक्रो फैरड, 2 × 10^-6, ये इससे कट गया तो कितना आंसर बना 10, तो आंसर विल बी 10 सेकेंड। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है एमसीक्यूज का। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 4 देख लेते हैं इधर ही। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि सेकंड पर ओम इज इक्वल टू, ठीक है, सेकंड पर ओम इज इक्वल टू कूलम फैरड जाउल एम्पेयर। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद है, आर सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा है, सेकंड पर ओम, तो टी बाई आर इज इक्वल टू क्या बना, सी, वेयर टी इज़ दी सेकंड एंड आर इज़ दी रेजिस्टेंस ओम। सी बना और सी का यूनिट क्या होता है, फैरड। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा जी बी, और इसका ऑप्शन रह गया लिखने वाला, इसका ऑप्शन कौन सा बना था, ऑप्शन डी सेकंड। ठीक है जी, ये हो गया आपका चौथा एमसीक्यू। अच्छा इसको आप वैसे भी कर सकते हो, आपको नहीं भी पता ना फार्मूला, तो टी के यूनिट पुट करें सेकंड आ जाएंगे, रेजिस्टेंस के ओम आ जाएंगे, रेजिस्टेंस को फिर देन अपने जो अबाई यूनिट है उसके जो वोल्ट पर एम्पीयर है उसमें कन्वर्ट करें। जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बल्कि मैं इधर कर देता हूँ सॉल्व, बड़ा आसान है ये। तो इसको सेकंड वैसे ही रहने दें ऊपर, और इसके अबाई यूनिट आ जाएंगे वोल्ट पर एम्पीयर, ऊपर आ जाएगा सेकंड इंटू एम्पीयर डिवाइडेड बाई वोल्ट, सेकंड और एम्पीयर क्या हो जाते हैं कूलम, नीचे आ जाएगा वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, Q इज इक्वल टू सी वी एंड सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और क्यू ओवर वी क्या होता है फैरड। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया जी एमसीक्यूज नंबर 4। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 5 डिस्प्ले हो रहा है, देखें। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, देन एनर्जी स्टोर इज 2 times, 3 times, 4 times और रिमेन कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट पैरेलल प्लेट इज डबल, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट के अक्रॉस जो नया पोटेंशियल है वो प्रीवियस पोटेंशियल का कितना है, 2 times। अब आपने बताना है कि जो एनर्जी होगी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। वी नो डैट द इक्वेशन इज एनर्जी की जो इक्वेशन है 1/2 CV² तो जो नई एनर्जी होगी वो आ जाएगी 1/2 CV² वी प्राइम किसके बराबर है जी, सी 2V². ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दें आगे, तो आ जाएगा 1/2 CV² × 4, 2² 4 हो जाएगा, ये स्टार्ट में ले तो ये बचेगा 1/2 CV². ये थी एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 और ये किसके बराबर था, ई के। तो इसका मतलब है जो नई एनर्जी बनी वो प्रीवियस एनर्जी का क्या हो जाएगी, 4 times हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी, ऑप्शन सी 4 times। अच्छा याद रखें कि अगर स्केयर करना है ना बस आपने, अगर वो कहता है 3 times तो 9 times हो जाएगी, 4 कहता है तो 16 times हो जाएगी, बस आपने स्केयर करना है इसको सॉल्व करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए एमसीक्यूज नंबर 6, इसको देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में वो कहता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिगेन टू वाइब्रेट बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल आर आयोनाइज्ड और आर चार्ज। ठीक है,
अब वो कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, जैसे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी और इसके दरमियान में आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, ये मैं मिटा नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब होगा क्या कि इसके अंदर एटम्स पहले यूं पड़े हुए थे, ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इधर इधर लेट्स सपोज पॉजिटिव कर लो, इधर लेट्स सपोज नेगेटिव, कैपेसिटर है ना, एक साइड पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, होगा क्या कि ये एटम कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव अपने इधर भेज देगा और पॉजिटिव खुद इधर हो जाएगा, नेगेटिव सारे इधर भेज दिए और पॉजिटिव खुद यूं हो जाएगा, और सेम ये ऐसे बाकी एटम्स भी करेंगे इसके अंदर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब होगा क्या कि हुआ कुछ यूं कि इसने जब नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया तो इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, न्यूक्लियस के इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आगे रिपल्स है, इसके इलेक्ट्रॉन ने अगले एटम के पॉजिटिव को अपनी तरफ कर लिया, ये उस तरफ आगे। अब ये जो चीज़ बनी है, ये जो चीज़ बनी है, इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या मतलब कहता है, डाई मीन दो, पोल मीन जो सिरे, इसके दो सिरे बन गए। अब डाइपोल को डिफाइन कैसे करते हैं, टू चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि जो एटम है और एटम का साइज तो बहुत छोटा है, तो छोटे से डिस्टेंस पे स्मॉल ये जो डिफरेंस हुआ हुआ है इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। इसका मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंसुलेटर यानी कि डाइलेक्ट्रिक पे फेंकते हो, लाजमी नहीं है गैर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो, उस पर फेंकते हो तो वो क्या हो जाता है, वाइब्रेट तो नहीं करता, वाइब्रेट तो वैसे ही कर रहे हैं ना, वो बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, आर आयनाइज, आयनाइज होता है, आयनाइज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, नहीं छीनता नहीं है क्योंकि इंसुलेटर है तो वो आगे दे नहीं सकता, फॉरवर्ड नहीं कर सकता, आर चार्ज, चार्ज चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज रहता है, चार्ज इसके ऊपर अभी भी आप देख लो कितना है, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पलट होंगे, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी, बिकम इलेक्ट्रिक डाइप, ठीक है जी, ये हो गया एमसीक्यू नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन टू चार्जेस कूलम फोर्स, अगर दो चार्ज के दरमियान में आप डाइलेक्ट्रिक रख दो तो कूलम फोर्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो या रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, आपको पता है कि जब आप कूलम फोर्स की बात करते हो तो कूलम फोर्स का आपको फार्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो फोर्स ये इस मीडियम के साथ एक उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर आ जाता है, जो कि 1 से बड़ा है, तो 1 सिर्फ उसकी कंडीशन में अगर एयर हो, एयर के अलावा जब आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो तो वो 1 से बड़ा है, तो ये नीचे इसके बटे में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/r2, यही बनेगा। क्या इसी इक्वेशन को यूँ लिखा जा सकता है, 1/εr इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2, तो यहाँ से 1/εr, और ये किसके बराबर है, एफ नॉट के, जो एयर में, और ये कौन सी थी, मीडियम वाली, इसका मतलब है जो मीडियम में नई फोर्स आई वो पुरानी फोर्स को एप्सिलॉन आर पे डिवाइड करना, और जाहिर सी बात है 1 से बड़ी चीज़ पर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, छोटा, इसका मतलब है कि फोर्स क्या होगी, ऑप्शन बी, डिक्रीज, ठीक है जी, ये एमसीक्यू नंबर 7 था। इसका रिवर्स भी हो सकता है, वो कहता है कि भाई एक दो चार्ज के समय हमने मीडियम पढ़ा था, हमने उस मीडियम को निकाल लिया, जब मीडियम को निकाल लिया तो फोर्स बड़ी होगी, कम हुई होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद है जी 8, हो मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपने बताना है। अच्छा, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.61×10⁻¹¹. क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर, क्या इसी इक्वेशन को यूं लिखा जा सकता है, ये 1 इधर है, ये सारी वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.61×10⁻¹¹ इलेक्ट्रॉन, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.2×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में 6.2×10⁻¹⁸ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये बड़ा आसान था, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए।
10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये समझाने वाला है लेंथी है, MCQs नंबर 9 देखें जी। 9 में कहता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2D द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड अवे बिटवीन द मिडवे बिटवीन द बिटवीन देम इज जीरो हाई लो कांस्टेंट। ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। ठीक है, डाइपोल की एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेकिन चलो मैं इधर लेता हूँ। ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये 2 कूलम चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये -2 कूलम चार्ज है। तो आपने बताना है कि इनके दरमियान का, इन दोनों के दरमियान में 2D का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है इनके दरमियान यहाँ से डी और यहाँ से डी, इनके दरमियान में इस जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, हाँ 2D है। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला लिखूँ तो आपको अगर सर इसके लिए फार्मूला होगा 1/4πε0 Q, जनरल फार्मूला Q/R, तो इसके लिए आ जाएगा 1/4πε0 Q की जगह क्या आ जाएगा 2 कूलम/R, और R कितना है यहाँ से यहाँ तक D। ठीक है, अब मैं इसके लिए लिखता हूँ, ये है जी V पॉजिटिव, V नेगेटिव के लिए चेक करें जी 1/4πε0 -2C/D। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में देखना, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V प्लस V नेगेटिव, तो इन दोनों को जब आप सम करेंगे 1/4πε0 2Q/D - -2C/D, ये माइनस प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 0 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कितना होगा पोटेंशियल 0, तो क्या बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, ये था आपका MCQ नंबर 9। इससे रिलेटेड भी आप अपने दिमाग में कुछ सोच सकते हो कि यार इससे रिलेटेड कोई इस तरह MCQ बन सकता है, तो मे भी बन सकता हो, ऑपोजिट करके, ज़्यादा करके, कम करके, जैसे हो गया एक साइड पे 1 कूलम चार्ज है, दूसरी साइड पे 2 कूलम है, तो आप कितना बनेगा और वो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, टू ऑपोजिट चार्ज बाल्स ए एंड बी, दो बाल है, एक बाल ये रही ए, एक बाल ये रही, इसके ऊपर लेट्स सपोज पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, उसने कहा ऑपोजिट चार्ज है, कोई भी ले सकते हो, एक पे पॉजिटिव तो दूसरी पे ऑब्वियसली नेगेटिव। अट्रैक्ट्स द थर्ड बाल, इनको जब मैं इस बाल के पास रखता हूँ, बाल सी के पास, तो ये भी इसे अट्रैक्ट करता है, जब इधर रखता हूँ तब भी अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्ट और इधर भी क्या होता है भाई अट्रैक्ट। ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है, आगे 1/1, यानी कि जब पहले इसको इसके पास रखा तो इसने इसको पकड़ लिया, जब इसको इसके पास रखा तब इसको पकड़ लिया। अच्छा, द थर्ड बाल सी हैज़, तीसरी बाल सी के ऊपर क्या चार्ज है, यानी कि क्वेश्चन है चार्ज ऑन बाल सी, सी बाल के ऊपर क्या चार्ज होगा। देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला रोला फिर आ जाना इधर। देखो, जब मैंने ए को रखा सी के पास, ठीक है, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसने क्या किया, सी के सारे नेगेटिव अपनी तरफ खींच लिए, पॉजिटिव एक तरफ कर दिए, तो जब इधर आए तो इसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने बी को रखा सी के पास, तो इसने क्या किया, बी के ऊपर नेगेटिव था, तो बी ने सारे पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लिए सी के, और नेगेटिव दूसरी तरफ रिपेल कर दिया, तब भी इसने अट्रैक्ट किया, तब भी अट्रैक्ट किया, दोनों कंडीशन में क्या हो रही है अट्रैक्ट। इसका मतलब है कि सी के ऊपर फिर चार्ज कितना हुआ, ऑप्शन ए है जी पॉजिटिव, नहीं भाई पॉजिटिव तो है ही नहीं, दोनों चार्ज हैं, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव ही नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, ये है कि आप इसके ऊपर देखो टोटल चार्ज और टोटल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या बनेगा, सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है 0, बस वो चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है लाइक डाइपोल। ठीक है, तो ऑप्शन डी नॉन, वो तो हो ही नहीं है। अच्छा, MCQs नंबर 11 देखें जी। इफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन इलेक्ट्रॉन बैलेंस ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाई E=mg/Q, E=Q/mg, E=FE/Q, E=1/4πε0Q/R². ठीक है, तो अब आपने बताना है कि कौन सा हो सकता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो रही है, इसका मतलब है बराबर है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है QE, ठीक है, QE, और इसका ग्रेविटेशनल का होता है जी mg, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो किसके बराबर आ जाएगी, mg/Q, तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन
ए एम जी ओवर क्यू, ठीक है। आगे हमारे पास है जी 12 एम सी क्यूज देखें जी, उसमें वो कहता है कि दी नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर ईच प्लेट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू इज, एक कैपेसिटर के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है, बच्चे अक्सर इसमें धोखा धड़ी खा जाते हैं, दिल ये धोखा धड़ी कर देना वो वाला, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब वो कहता है कि इस पूरे कैपेसिटर के ऊपर इस वक्त कितना चार्ज है, अगर इस साइड पर प्लस क्यू है, इस साइड पर माइनस क्यू है, तो इस पूरे चार्ज इस पे पूरे कैपेसिटर पर कितना है, यानी कि वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन आइदर प्लेट, किसी भी प्लेट पर चार्ज कितना है, क्यू इसके ऊपर है तो पॉजिटिव, क्यू इसके ऊपर है तो नेगेटिव क्यू। अब आप मुझे बताओ कि तीन पॉजिटिव है, तीन नेगेटिव है, तो आंसर कितना बनेगा, जीरो। और अगर मैं कहूँ प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तब भी आंसर कितना बनेगा, जीरो। इसका मतलब है एज अ होल इस पूरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, जीरो। तो इनफिनिटी, इनफिनिटी तो हो नहीं सकता ला महदूद। टू क्यू, टू क्यू का मतलब है इसको और इसको ऐड कर दो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो आंसर जीरो बनेगा, ना कि टू क्यू बनेगा, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू तो होया ही नहीं है। आगे ऑप्शन डी क्या बना, जीरो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाए जी, एमसीक्यूज नंबर 13 पे, अरबर बाल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम ऑन इट सरफेस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द वैल्यू ऑफ ई इनसाइड एट इट सेंटर इज। अच्छा, बहुत ही मस्त सवाल है जी, ये हमारे पास है जी कोई स्फीयर बाल, इसका रेडियस है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और सारे का सारा चार्ज आपने इसके ऊपर कितना है जी चार्ज 5 माइक्रो कूलम, और सारे का सारा चार्ज आपने इसकी सरफेस पे फेंका हुआ ऐसे करके, ठीक है। अब वो कहता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे गॉसेज लॉ, गॉसेज लॉ के मुताबिक फ्लक्स इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू, फील्ड अंदर फाइंड करनी है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज सारा सरफेस पे पड़ा है, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है, जीरो, तो फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। और इसी फ्लक्स से हमें पता है कि फ्लक्स आल्सो इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो फ्लक्स कितना है, जीरो, तो ई डॉट ए आल्सो इक्वल टू जीरो, किस चीज़ का, एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर क्या जीरो हुई, फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट स्फीयर इज जीरो, गॉसेज लॉ से एम सी क्यूज बना है। ऑप्शन ए है 10 न्यूटन पर कूलम नहीं है, उसके बाद ऑप्शन बी है जीरो, तो जाहिर सी बात है हमने कैलकुलेट किया तो आंसर क्या बनेगा, जीरो। ऑप्शन सी है 2.5 और ऑप्शन डी है 5.10 पावर, तो बनता ही कोई नहीं, क्योंकि अंदर पूछे, बाहर पूछते तो शायद कुछ ना कुछ इनमें से बनता है, लेकिन अंदर पूछे तो अंदर चार्ज नहीं है तो फील्ड भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी कि एमसीक्यूज नंबर 14 देखते हैं जी, द इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट इज एप्लीकेबल टू दी सरफेस सिलिंड्रिकल कोनिकल फ्लैट या सफेरिकल, तो इसका ऑप्शन सीधा सही है कि ये वाली जो इक्वेशन है ना फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये है जी सिंपल मैथमेटिक्स की इक्वेशन, ठीक है, और ये हमेशा लगेगी आपकी फ्लैट सरफेस पे, इस तरह जैसे ये है एक फ्लैट सरफेस, सीधी सरफेस, इसके ऊपर इसका ये वेक्टर एरिया, ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, इनका आपस में कुछ ना कुछ ऐसे करके हमने बनाया था, ऐसे करके एक एंगल थीटा बनता है, ठीक है, तो इसके लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए हमारे पास, फ्लैट, तो ऑप्शन कौन सा बनता है, सी, ठीक है। ये आसान से एमसीक्यूज है, लेकिन ये फ्लैट, अगर फ्लैट नहीं हो तो फिर इसके लिए अलग से वो हमारे पास डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाले फार्मूले लगाकर हम फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके लिए हो जाता है, लेकिन हमारे पास फ्लक्स के लिए इधर हम सरफेस कैसे कंसिडर करते हैं, फ्लैट, इसलिए तो गॉसेज लॉ में हमने वो स्फीयर के अंदर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे। अच्छा जी 15 देख लेते हैं जी, 15 में वो कहता है कि हमारे पास द चार्ज ऑफ 10 माइक्रो 10 की पावर माइनस 10 कूलम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 10 की पावर माइनस 5, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट इज 10 की पावर 2 वोल्ट, 10 की पावर 3 वोल्ट, 10 की पावर 4 वोल्ट और 10 की पावर 5 वोल्ट, ठीक है। बड़ा ही मज़े का सवाल है, इसको मज़े से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। अब वो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अब मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव क्यू है ये नेगेटिव क्यू, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इधर जो चार्ज पड़े इनके दरमियान में बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स, वो कितना है 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये चार्ज अंदर पड़ा इधर सेंटर में, ठीक है। इसको मैं इधर इस ब्लू डॉट से शो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और 1 सेंटीमीटर पार्ट, और जो दो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के दरमियान में कितना है डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी है 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, तो अब आपने बताना है कि इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल कितना है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है,
तो आपको पता है कि इधर आप लगाओगे, पहले आपको पता है पोटेंशियल के फार्मूला क्या चाहिए, V इज इक्वल टू ई डी, और E के लिए फार्मूला क्या होता है, F बाई क्यू। तो अब F कितना है आपके पास, E F कितना है आपके पास, 10 की पावर माइनस 5, और Q कितना है 10 की पावर माइनस 10, आंसर विल बी 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, यही बनेगा। अब आप क्या करोगे, इसे इसमें पुट करोगे, तो V इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, D जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना 10 की पावर, तो ये जब इसमें से माइनस होगा तो आंसर बनेगा 10 की पावर 3 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनता है, ऑप्शन बी, 10 की पावर 3 वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट इन प्लेट्स के मान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब, तकरीबन 2-3 हमारे पास रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फिर एंड हो जाएंगे। अच्छा जी 16, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कंटेनिंग इक्वल एंड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये बड़ा आसान है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो वो कहता है कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अगर प्लस क्यू है और दूसरी के ऊपर भी कितना है प्लस क्यू, ठीक है, और प्रोटॉन इनके दरमियान में एक रख दिया गया बेचारा, किस्मत का मारा, ये प्रोटॉन है, आपको पता है इसे धक्का देगा इसे, चूंकि इसकी और ये सेंटर में पड़ा हुआ है तो इससे लगने वाली फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, चलो क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये प्लस क्यू जो 1 है और ये 2 है, और इससे लगने वाली ये चूंकि सेंटर में पड़ा तो दोनों के लिए ये कैसी होगी, प्लेस्ड बिटवीन है ना पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लेट्स नहीं है तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, बस ऐसे मतलब चार्जेस पड़े होंगे ऐसे करके बड़े बड़े, ठीक है, प्लेट्स बना दी, वो भी हो सकता है, तो वो उधर प्लेट्स के लिहाज से था। अच्छा तो आप बताएंगे इनको मेरे फील्ड कितनी होगा, आपको क्या सर, हमने देखा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बनने वाली फील्ड यूँ होती है, मैंने कहा इनके दरमियान में फील्ड कितनी होती है, आपने कहा इनके दरमियान में फील्ड होती नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर दरमियान में फोर्स कितनी होगी, आपको क्या सर, क्यू इंटू ई, दरमियान में क्यू तो है, ये हमारा ब्लू पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, लेकिन दरमियान में फील्ड लाइन्स कितनी है, जीरो, इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, जीरो, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ये बगैर कैलकुलेशन वाले सारे एमसीक्यूज हैं, तो हम कैलकुलेशन में पढ़ जाते हैं, सॉल्व करते रहते हैं और एंड में आंसर वही निकलता है जो डायरेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो स्मार्टली आपने इन्हें सॉल्व करना है। 17 एमसीक्यूज देखते हैं, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स किस पर डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास है जी जी ए डबल एस का ला, जिसको बोलते हैं अपन का ला को बोलता है गोजिज ला, और इस ला के मुताबिक जो फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 into Q, तो फ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मीडियम, ठीक है, यानी कि अगर मीडियम हो जाए तो इसकी जगह सिर्फ ये आ जाएगा ε0 ε r³, इस पे चार्ज पर मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। हमें पता था कि हमने पहले फ्लक्स को ऐसी ऐसी शेप से कैलकुलेट करना है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है फिर हमने ऐसी शेप से चार्ज करना है, फिर हमने ऐसी शेप से किया, सबके अंदर आंसर क्या आया सेम, इसका मतलब है कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, क्लोज सरफेस, स्पेशली क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए गॉसियस लॉ लगता है, तो क्लोज सरफेस के लिए ऑप्शन क्या बनेगा, इधर ऑप्शन ए, इट्स शेप, उसका मुखड़ा टुकड़ा जैसा मर्जी हो लेकिन हो क्लोज, तो फ्लक्स किसी चीज़ पर डिपेंड, उसकी यानी कि शक्लो सूरत पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्यार शक्ल देख के थोड़ा ना किया जाता है, सेम वैसे प्यार दिल देख के किया जाता है, सेम गॉसियस कहता है फ्लक्स शक्ल देख के कैलकुलेट नहीं करना, फ्लक्स कैलकुलेट करना है मीडियम पे चार्ज देख के, और समझ आ गई। 18वां एमसीक्यूज है ये, इधर लास्ट एमसीक्यूज है जी मेरे पास, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ठीक है, ये सेम वही एमसीक्यूज है जो अभी हमने ये एमसीक्यूज नंबर कौन से वाला किया है, कौन से था, हाँ ये एमसीक्यूज नंबर 9, ठीक है, आप देख सकते हो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ यूँ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बना था कि इधर न्यूक्लियस था और इधर इसके इलेक्ट्रॉन थे, लेट्स सपोज के ये हमारे पास किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये कार्बन का है, ठीक है, या कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कोई भी एटॉमिक नंबर है
जेड उसका जी 50, ठीक है। तो होगा क्या कि 50 प्रोटॉन से भरा हुआ न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाएगा पॉजिटिव, और 50 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए शेल्स सारे एक साइड पर हो जाएंगे, और इनके दरमियान में आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आपको क्या सर, वी इज इक्वल टू, आप फार्मूला लिखेंगे, वी इज इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई इसके दरमियान का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है इनके दरमियान में डी। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, डी बाई टू, ठीक है। और ये नेगेटिव के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए आ जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए प्लस पॉजिटिव ही डिवाइडेड बाई डी बाई टू। तो मैं कहूँ भाई टोटल कितना हो गया, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए आ जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये जो माइनस है स्टार्ट में मैं ले गया 50/d/2 प्लस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट 50e/d/2, ये सेम है तो ये कट गए, तो आंसर कितना बना, 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड में, आगे पीछे हो सकता है, मिड में कितना होगा, मिड में आ जाएगा ऑप्शन सी 0 वोल्ट, ठीक है जी। ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट MCQs जो बोर्ड में रिपीट हुए, इससे रिलेटेड अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आया, बोर्ड में रिपीट हुआ या वैसे कोई MCQs है तो आप कमेंट में बताएं, उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू।